अंग्रेजी एट होम के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या क्या यूजेस हैं, कहां पर हमें इसे यूज करना है और इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से हम सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस टेंस के अंदर, इस वीडियो को पूरा समझेंगे, पूरा सीखेंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस आज की क्लास में, दबा दीजिए लाइक का बटन और बिना बकेती शुरू करते हैं आज की क्लास। सो गाइज, हम आज की वीडियो को शुरू करें और कंस्ट्रक्शन में आपको करके बताऊं सारे सेंटेंसेस का और साथ ही बताऊं ये कहां कहां पर यूज होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस टेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट के साथ यानी डूअर के साथ टू बी वर्ब यूज करनी पड़ती है, ठीक है। बी वर्ब जो होती है हमें यूज करनी पड़ती है, वो भी प्रेजेंट की। प्रेजेंट की बी वर्ब कौन सी है, इज, एम एंड आर, ठीक है। तो ये तीन बी वर्ब जो है हमने प्रेजेंट की यूज करनी है इस टेंस के अंदर, और कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं शुरू में ही। तो ये जो इज है ये किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ हमारा उसके साथ इज यूज होगा, ठीक है। उसमें से हम केवल आई को छोड़ दें क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वो उसके साथ एम यूज होगा, एम बी वर्ब यूज होगी इसके साथ। तो आई के साथ एम यूज करेंगे, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी हो गए, चाहे वो ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या कोई भी सिंगुलर नाउन यानी कि कोई भी सिंगल नाम हुआ उसके साथ हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। शी इज, ही इज, इट इज, राजू इज, माया इज, इस टाइप से इन सब के साथ हमें इज यूज करना है। आई के साथ मे के लिए जो आई यूज होता है उसके साथ एम यूज होगा, आई एम, ठीक है। मे और मैंने दोनों के लिए आई का यूज होता है, आई के साथ हमें एम बी वर्ब यूज करनी है। इसके बाद आर की बात करते हैं। आर किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें आर का यूज करना है। सपोज कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, दे, वी, यू, और इसके साथ कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है। तो सपोज जैसे दे आर, वी आर, यू आर, राजू एंड माया आर, ठीक है। इस तरीके से जो भी प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि कंस्ट्रक्शन में आपको दिक्कत ना आए। साथ ही ये क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस है, इसके अंदर हम वर्ब का आई एनजी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब के साथ आई एनजी फॉर्म लगाते हैं। जो बेस फॉर्म है हमारी वर्ब की, बेस फॉर्म के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई एनजी। सपोज गो है हमारा बेस फॉर्म, तो इसके साथ हम आई एनजी लगाकर गोइंग यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सपोज हमारा बेस फॉर्म है कम, तो हम इसके साथ कमिंग यूज करेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको यूज करना है आई एनजी फॉर्म इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है इसे, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही ये होता है कि चीज कंटिन्यू है, यानी कि अभी फिनिश नहीं हुई है, वो शुरू तो हो गई है लेकिन फिनिश नहीं हुई है। तो कहां कहां पर यूज होता है वन बाय वन देखेंगे यूजेस। सेंटेंसेस में आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे मैंने कहा मैं YouTube चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऑफ कोर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वे मुझे सुन रहे हैं, ये सेंटेंसेस अगर मैं देखूं तो किस कैटेगरी के सेंटेंसेस बनते हैं, ये वे कैटेगरीज है जहां पर जब वो बात बोली गई है, जब वो बात बोली गई है तब भी एक्शन कंटिन्यू है। यानी सपोज जब मैं आपसे कह रहा हूं मैं यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं इस समय रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, मेरा रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग जारी है, ठीक है, फिनिश नहीं हुआ, अनफिनिश्ड है। यानी व्हाइल स्पीकिंग, बोलते हुए भी आपका जो काम जारी रहता है, वहां पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, ठीक है। एक्शन कंटिन्यू है वहां पर, एक्शन कंटिन्यूड, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर जब मैं बोल रहा हूं तब मेरा एक्शन कंटिन्यू है रिकॉर्डिंग का, आप मेरा वीडियो देख ही रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं तब भी आप कंटिन्यूअसली देख ही रहे हैं वीडियो को, ठीक है। वे मुझे सुन रहे हैं, सपोज मैं फोन पे बात कर रहा हूं, सामने वाला जो फोन पे मेरे साथ है वो मुझसे पूछता है कि घर के बाकी लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, तो मैंने कहा वो मुझे सुन रहे हैं। जब मैंने उससे ये बात कही तब भी उनके सुनने का काम जारी है, यानी कि वो ये बात बोलते हुए भी मुझे सुन ही रहे हैं, कंटिन्यूअसली उनका जो काम है सुनने का वो जारी है, वो कंटिन्यू है। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलो कन्वर्ट करके देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। मैं यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। मैं सब्जेक्ट है आई, इसके साथ मुझे क्या लगाना है, एम। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी, वर्ब क्या है, रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड ही होता है,
ठीक है। इसका हिंदी अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर जिसने अच्छा किया उसका नाम मैं मेंशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई एम रिकॉर्ड नहीं होगा, अब इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, आई एम रिकॉर्डिंग, ठीक है। आईएनजी फॉर्म यूज करना मैंने आपको बताया, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है कंटिन्यूअस में। आई एम रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, वीडियो। आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो किसके लिए, फॉर यूट्यूब चैनल। बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंटेंसेस, ठीक है, कोई बनावटी चीज लेकर नहीं आता हूं मैं, आप जिस चीज को रिलेट कर पाए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं तब भी आप देख ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। यू कौन देख रहे हैं, आप। यू यू के साथ लगाना है आर, आप देखने के लिए वॉच यूज होता है, और इसके साथ आई एन जी लगाना है, यू आर वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग, आई एम रिकॉर्डिंग, यू आर वॉचिंग। इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना है, यू आर वॉचिंग किसकी, माई वीडियो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। वे मुझे सुन रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कंडीशन, अभी किस टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। वे मुझे सुन रहे हैं, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ आर लगाएंगे, दे आर सुनना, लिसन, तो आई एन जी लगा देंगे, लिसनिंग इसे टू मी, दे आर लिसनिंग टू मी, व्हाइल आई एम स्पीकिंग दे आर लिसनिंग टू मी, और दे आर डूइंग, दे आर लिसनिंग टू मी, ठीक है। इस तरीके से आप किसी एक्शन के जारी रहते हुए, उसके कंटिन्यू होते हुए, वो फिनिश नहीं हो रहा है उसी समय आप उस बात को बता रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पर्सनल फेवरेट मेरा ये टेंस, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। वह इस सत्र में नई टीम ज्वाइन कर रही है, हम कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, वे अगले साल शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तीन सेंटेंसेस फ्यूचर के हैं, प्रेजेंट के नहीं है, लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस वक्त आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, वो बात कब कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं, वो बात हम अभी बोल रहे हैं। तो ये कौन सी बातें होती है, ये हमारे एकदम प्री प्लान जो एक्शंस हैं, हमने उसकी प्लानिंग कर ली, पूरा सेटअप जम चुका है, अब वो काम करना है हमें, हम वो काम करने वाले हैं, इस टाइप की बातें हम काम में करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो हम एक तरीके से इसके लिए हमारा माइंड सेट हो चुका है, हमने जैसे मैं कहता हूं कि हम नेक्स्ट वीक दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब मैं जब बोल रहा हूं तब मैं टिकट खरीद चुका हूं, मेरी पूरी पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ मेरा माइंड सेट हो चुका है, मैंने घर वालों को बता दिया है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं अब हम नेक्स्ट वीक दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जा तो दिल्ली नेक्स्ट वीक रहे हैं, लेकिन ये बात को मैं अभी कंफर्म कर रहा हूं सबके सामने, तो इस टाइप के सेंटेंसेस है ना। वह इस सत्र में नई टीम ज्वाइन कर रही है, शी लड़की है, शी के साथ इज आएगा, ज्वाइन करना, ज्वाइनिंग, She is joining, कर रही है, she is joining, वो join कर रही है, a new team, इस सत्र में नई team है ना, तो a new team, कब, इस सत्र में, in this season, she is joining a new team in this season, ठीक है। इस तरीके से हम कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, we are, we के साथ आ रहेगा, जा रहे हैं, going, ठीक है, वी आर गोइंग टू वॉच सिनेमा बोल सकते हैं, या डायरेक्ट सिनेमा बोल सकते हैं, वॉच सिनेमा लिख देते हैं, वी आर गोइंग टू वॉच सिनेमा, कब, कल, टुमारो, ये हो गया। वे अगले साल शादी करने जा रहे हैं, वे करने जा रहे थे, दे आर, दे के साथ आ रहेगा, यानी उनकी शादी होने जा रही है, दे आर गेटिंग मैरिड, कब, नेक्स्ट ईयर, दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। ये सेंटेंसेस फ्यूचर के लिए बोले, ये सेंटेंसेस जब मैं बोल रहा हूं उसी समय वो एक्शन जो है वो चल रही है, उस तरीके से हमने सेंटेंसेस बनाए। आगे और देखते हैं कौन कौन से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, अब देखते हैं आगे कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं अंग्रेजी बोलना सिखाने की कक्षाएं ले रहा हूं, वह एक एमएनसी में नौकरी कर रहा है, मेरी दोस्त खाना पकाना सीख रही है। अब ये जो एक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वर्ब्स जो यहाँ पे यूज हो रही है, क्या ये बोलते वक्त वो काम जारी है, हो सकता है वो काम उस वक्त ना हो रहा हो, यानी कि जब मैं बोल रहा हूं तब जरूरी नहीं कि मैं उस वक्त भी क्लासेस ले रहा हूं जब मैंने ये बात बोली या जब मैं ये बात बोल रहा हूं, लेकिन सामने वाले ने इन जनरल मुझसे पूछा कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, है ना, इन जनरल पता अभी तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मैंने कहा अभी मेरी लाइफ में मैं जो क्लासेस लेता हूं स्पोकन की,
वही ले रहा हूँ, वही क्लासेस मेरी चल रही है, ठीक है। तो मैंने ऐसी बात बोली जो मेरी लाइफ में इन जनरल अभी चल रही है, ठीक है। वो बात अभी अभी नहीं चल रही, लेकिन इन जनरल वो वही काम चल रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। इस टाइप से जैसे वह एक एमएनसी में नौकरी कर रहा है, तो जब ये बात बोली गई तब वहां नौकरी में ही वो हो, वो सब जरूरी नहीं है, उस वक्त वो नौकरी पर हो उसी टाइम एट द मोमेंट, है ना। When somebody is speaking that he is doing a job in MNC, that doesn't mean he is doing right now. He is doing that job right now, ठीक है? वो उस वक्त यानी उस लाइफ अभी की लाइफ में वो क्या कर रहा है? अभी की लाइफ में एक MNC के अंदर जॉब कर रहा है ना? In general उसकी लाइफ में अभी ये चल रहा है कि वो जॉब कर रहा है। और मेरी दोस्त खाना पकाना सीख रही है, मेरी दोस्त के पास अभी टाइम है, ठीक है। तो वो अभी क्या कर रही है? जब मैं बोल रहा हूँ तभी वो खाना पकाना सीख रही है, ऐसा नहीं, वो आजकल खाना पकाना सीख रही है, यानी कि जब भी उसको मौका मिलता है अभी वो क्या प्रैक्टिस कर रही है, तो खाना पकाने की प्रैक्टिस कर रही है, इस टाइप से, यानी इन जनरल, ठीक है। अभी इन जनरल आप क्या कर रहे हैं? इन जनरल व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, इन जनरल आप आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस पूछने के लिए, बनाने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना पड़ता है, बनाते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना सिखाने की कक्षाएं ले रहा हूं। आई एम टेकिंग, आई के साथ एम आएगा, टेक के साथ आई एन जी, टेकिंग, आई एम टेकिंग, क्या ले रहा हूं मैं, स्पोकन क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ये हमारा सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम टेकिंग इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, दैट डजंट मीन आई एम टेकिंग द क्लासेस राइट नाउ, इट मींस इन जनरल इन दीस डेज आई एम टेकिंग माय क्लासेस एज यूजुअल, वही चीज कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ, तो मैं अभी भी वही क्लासेस ले रहा हूँ। वह एक एमएनसी में नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो ही इज डूइंग अ जॉब, ही इज डूइंग अ जॉब इन एमएनसी, ठीक है, he is doing a job in MNC, यानी कि अभी उसकी लाइफ में जॉब चल रही है, वो जॉब कर रहा है। मेरी दोस्त खाना पकाना सीख रही है, my friend is क्या सीख रही है, learning, my friend is learning क्या, cooking, it is learning cooking, तरीके से। अब देखते हैं, तुम बहुत अभद्र हो रहे हो, अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अभी मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। अब ये देखिए, ये सेंटेंसेस क्या कहते हैं, ये सेंटेंसेस बोलते हैं आपके आपका टेम्परेरी बिहेवियर, ठीक है। आप रेगुलर ऐसे नहीं हो, लेकिन अभी क्या कर रहे हो, एट द मोमेंट, मतलब मोस्टली आप कुछ और करते हो, लेकिन राइट नाउ आप कुछ अलग कर रहे हो, ठीक है। जैसे कोई इंसान है वो मोस्टली बहुत डिसेंट बोलता है ना, यूजुअली ही स्पीक डिसेंटली, बट राइट नाउ ही इज बीइंग रूड, तो अभी वो क्या हो गया, वो थोड़ा अभद्र हो गया, तो हम उससे कहेंगे यार तुम अभी थोड़े अभद्र लग रहे हो मुझे, ठीक है, हमेशा तुम अच्छे बोलते हो, अच्छे से बात करते हो, लेकिन आज तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, आज तुम अभद्र तरीके से बात कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर बींग रूड, तुम क्या हो रहे हो, अभी अभद्र हो रहे हो, तुम वैसे तो डिसेंट आदमी हो, लेकिन अभी तुम अभद्र हो रहे हो, अभी समझ नहीं आ रहा तुम्हें ऐसा क्या हुआ है, तुम अभी थोड़ा बिहेवियर तुम्हारा चेंज हो गया। अगला सेंटेंस, सपोज यूजुअली आई टीच इंग्लिश, ठीक है, बट राइट नाउ सडनली आई चेंज माई माइंड एंड स्टार्टेड टीचिंग रीजनिंग, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अभी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं हमेशा इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन अभी मेरा मन हो गया रीजनिंग पढ़ाने का, तो आई एम टीचिंग रीजनिंग, कब, अभी, राइट नाउ, मैं अभी मेरा मन हो गया रीजनिंग पढ़ाने का, तो मैं अब रीजनिंग पढ़ाने लग गया, अदरवाइज मैं पढ़ाता कुछ और, है ना। किसी ने कहा कि यार तुम हमेशा तो कार से आते हो, लेकिन अभी तुम बाइक चला रहे हो, तुम हमेशा कार चलाते हो लेकिन अभी बाइक चला रहे हो, मतलब यूजुअली वो कार चलाता है, यूजुअली ड्राइव्स द कार, बट राइट नाउ ही इज ड्राइविंग अ बाइक, सो अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो में उसने कुछ कुछ हटके कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है करंट सिचुएशन, तो ऐसे समय पर, जैसे हमेशा कोई इंसान है वो धीरे धीरे बात करता है, लेकिन अभी अभी पता नहीं उसे क्या हुआ, वो जोर जोर से बोलने लगा, है ना, ही इज स्पीकिंग लाउडली राइट नाउ, पहले वो धीरे धीरे बोलता था, ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहा है, ही इज स्पीकिंग
लाउडली राइट नाउ, अभी अभी क्या कर रहा हूँ, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। तो इस टाइप की सेंटेंसेस मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं हमारी लाइफ में, कहाँ कहाँ पर हम इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वी वर्ब लगती है, कौन सी मेन वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेक्शन मैंने आपको आज बताया है। आने वाली वीडियो में मैं इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स के क्वेश्चन भी एक साथ बता दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि आपका पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इसको जहां तक हो सकता है वहां तक मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबका बेनिफिट हो सके। साथ ही हमारे वीडियो आने वाली वीडियोस को कंटिन्यूस देखने के लिए बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि इंग्लिश की कोई भी जानकारी, इंग्लिश की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।